जोशी मठ में भू खसाव की समस्या को लेकर प्रशासन प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है। प्रभावित परिवारों को नगरपालिका ब्लॉक बीकेसी गेस्ट हाउस जीआईसी गुरुद्वार इंटर कॉलेज आईटीआई तपोवन सहित अन्य सुरक्षित स्थानों पर रहने की व्यवस्था की गई है। जोशीमठ नगर क्षेत्र से 50 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से शिफ्ट कर लिया गया है। बता दें भू धसाव बढ़ाने से खतरे की जद में आए भवनों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो। राहत शिविरों में बिजली पानी भोजन शौचालय एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी नामित करते हुए जिम्मेदारी उनको दी गई है। जोशीमठ भू धसाव के खतरे से निपटने के लिए SGRF NDRF पुलिस सुरक्षा बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं विशेषज्ञों की टीम के द्वारा भू धसाव से प्रभावित घरों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। मडी वाटर निकल रहा है वहाँ हम लोग गए। एक जो लेटेस्ट क्रैक्स आए हैं जिन एरिया मुन एरिया में गए, आज बिल्कुल विस्तृत हम पूरे जोशीमठ का भ्रमण करेंगे और देखेंगे क्या स्थिति बन के आ रही है, किस तरह से टेम्परेरी रिलीफ लोगों को दे सकते हैं, जो परमानेंट जो कार्य किए जा सकते हैं उसके संबंध में एक प्लान, एक टेंडर निकाला भी गया ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए जियो फिजिकल स्टडी के लिए, तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अभी हम वापस जाने के बाद इमीडिएट क्या कर सकते हैं वो तुरंत हम उसको कार्रवाई करेंगे। सर अभी कितने लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है? देखिए अभी करीब 50 तक के लोगों को अभी हम बाहर निकाले हैं।